2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से बहुमत मिला था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। विंध्य अलग विंध्य बनाने की मांग के साथ नारायण त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया है। विंध्य जनता पार्टी उन्होंने बना ली है, लेकिन अब देखते हैं चुनाव उससे लड़ पाएंगे या भाजपा से ही रहेंगे। खैर, वो उस पर निर्भर करेगा कि पार्टी इनकी बात मानती है या नहीं, सरकार इनकी बात मानती है या नहीं। नारायण त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। एक लंबे समय से आपकी विंध्य की मांग रही है, अलग अलग पार्टियों में आप रहे, राजनीतिक दलों में रहे, आप अपनी मांग से हटे नहीं, वो बात अलग है कि आपने पार्टी जरूर बदल दी। इस बार आपको क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, जहां रोजी नहीं, जहां रोटी नहीं, जहां पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं, जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं, वो बिंद आज उपेक्षित है। बिंद के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, बिंद के लोग जागृत हैं, बिंद के लोग अब चाहते हैं कि हमारे साथ जो धोखा छल कपट करके हमारे बिंद का विलय किया गया था विकास का नारा देकर, अब वो समय जा चुका है। अब जो बिंद के लोग हैं अपने दम पर बिंद जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिए, कल सदस्यता अभियान पर 300 विधानसभा पर एक साथ सदस्यता अभियान हुआ। अब लड़ाई सिर्फ आर पार की है और बिंद के पुनर्निर्माण की है। यदि समझ में आता है तो हमारी पार्टी कुछ फैसला करेगी, तो ठीक है, नहीं आता तो बिंद जनता पार्टी का गठन हो गया, अब बिंद के लोग अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि वादे आपसे जरूर किए गए थे कई सारे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया, तो इसे आप कैसे क्या बोलना चाहेंगे कि कौन है जो वादे पूरे नहीं कर रहा है? आपसे क्या क्या बातें कही गई थी बिंद को लेकर के, और इतने सालों बाद अभी भी वो वादे पूरे नहीं हुए, तो आपको इसके पीछे के जिम्मेदार कौन लगता है? देखिए, बिंद का जो मामला है, बिंद उपेक्षित है। आज भी हम सड़क की बात कर लें, पानी की बात कर लें, सिंचाई की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, सब कुछ हमारे यहाँ होने के बाद भी बिंद के लोगों को न किसानों को बिजली मिलती, न व्यापारियों को मिलती, न पढ़ने वाले बच्चों को मिलती, सिर्फ बातें हैं यहाँ। तो इन बातों को लेकर लोगों में आक्रोश है। जब जब समय आया, पत्र के माध्यम से या व्यक्तिगत मुलाकातें जब तक होती रही तब तक मैं हमेशा अवगत कराने का काम किया। अब ये समय जा चुका है, अब तो सिर्फ समय है बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई, और उस लड़ाई को लड़ना है। अभी प्रधानमंत्री आए थे रीवा, उन्होंने कई सौगातें दी है, बोला गया कि बिंद जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, बिंद भारतीय जनता पार्टी बिंद पे बड़ा फोकस करेगी, उससे कुछ होगा? आप बड़े महत्वपूर्ण मीडिया चैनल से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जब रीवा आए तो 15 दिन पहले से तमाम पेपरों में, समाचार पत्रों में, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में लगातार चला कि अब बिंद को मिलेगी बड़ी सौगात। हम लोग भी बड़े उत्साहित थे कि बिंद को कुछ न कुछ अद्भुत मिलने वाला है, जैसे काशी कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल लोक, जिस तरह छत विछत हो चुका, तो हमें भी लगा कि बिंद में कुछ न कुछ मिलेगा। पर बिंद में मिला क्या? रीवा का मंच, बिंद का मंच, मोदी जी का भाषण। मोदी जी के भाषण में जो रीवा को दिया गया बिंद को, वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन को बड़ा भव्य से भव्यतम बनाने की घोषणा हुई, यही रीवा को मिला, यही बिंद को मिला। तो ये उपेक्षा है कि हमारे घर आके, हमारे यहाँ स्वागत करा के, हमारे यहाँ के लोगों को ट्रकों में भर भर के ला के लाद के घोषणा करते हो आप ग्वालियर की, बिंद को तो कुछ नहीं मिला। तो लोग आज समझदार हो चुके, जागरूक हो चुके कि यहाँ आके हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। कनेक्टिविटी एक बड़ा मसला, जैसे आपने रेलवे स्टेशन का नाम जिक्र किया, एयरपोर्ट हो, मेजर रेलवे स्टेशन हो, तो कनेक्टिविटी की भी एक समस्या विंध्य में शुरू से बनी हुई है लंबे समय से। सतना एयर स्ट्रिप द्वितीय विश्व युद्ध का था, वो एयर स्ट्रिप खत्म हो गई। रीवा में हो सकता है कुछ दिनों से धीरे धीरे चलते चलते चला दिया जाए। कनेक्टिविटी तो पूरे प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में भी हम यदि आज भी बोले कि हमें कहीं जाना है तो एयर सुविधा आज भी बेहतर नहीं हो पाई। प्रदेश में इतने बड़े बड़े टूरिज्म प्लेस हैं, धार्मिक प्लेस हैं, इनको जोड़ने का काम करना चाहिए था। ये टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई मतलब कनेक्टिविटी पे कोई कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अब आपको क्या लगता है, ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा, कि 2023 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए विंध्य के इलाके में एक चुनौतीपूर्ण होने वाला है? विंध्य पर ढूंढे सीट नहीं मिलेगी यदि विंध्य का फैसला नहीं किया जाता तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे नारायण त्रिपाठी, विधायक हैं, लंबे समय से मध्यप्रदेश विधानसभा के 4 बार के विधायक हैं, और विंध्य की मांग को लेकर के शुरू से ही इसी तरीके से इनके तेवर रहे हैं, और इन्होंने आज तक से बात करते हुए भी साफ बता दिया है कि विंध्य को लेकर के यदि कोई फैसला नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए विंध्य बचा पाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।